नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हम संसद के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। आप सब जानते हैं मैं कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ा रही हूँ, उसी में है बच्चों संसद के कार्य। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों कि संसद के दो सदन हैं, पहला है लोकसभा और दूसरा है बच्चों आपका राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन हैं और लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं। संसद का मेन काम है बच्चों कानून बनाने का। कानून बनाने के अलावा भी संसद कई कार्य करती है बच्चों। वो कौन कौन से कार्य हैं देखो, पहला कार्य जो आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में वो पढ़ा था विधायी कार्य। कौन से कार्य? विधायी कार्यों में हमने देखा था कि साधारण विधेयक जो है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर सदन में प्रस्तुत हो गया तो तीन वाचन होते हैं और तीन वाचन के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही विधेयक कानून बनता है। लेकिन अगर साधारण विधेयक के मामले में दोनों सदनों में गतिरोध है और 6 महीने तक विधेयक के बारे में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया तो कौन सी बैठक होती है बच्चों? संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में देखने को मिलता है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था बच्चों। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है संविधान संशोधन संबंधी कार्य। आप सब बच्चों जानते हैं कि हमारा देश का जो संविधान बना वो हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रख के संविधान का निर्माण करा गया था। उस समय की परिस्थितियों और आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा फर्क है बच्चों, और इसी फर्क को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान संशोधन का प्रावधान रखा है कि संविधान में समय समय पर अमेंडमेंट होने चाहिए क्योंकि देश की परिस्थितियां समय के अनुसार बदलती रहती है। तो इसीलिए संविधान संशोधन का प्रावधान हमारे देश में रखा गया और भारतीय संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में जो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया संविधान संशोधन, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में जिसका उल्लेख मिलता है बच्चों, उस संविधान संशोधन में कहा गया कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार संसद को दिया गया कि संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में अमेंडमेंट कर सकती है, संशोधन कर सकती है। अब संशोधन करने के लिए संसद में बच्चों हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कठोरता भी मिलती है संशोधन के मामले में और लचीलापन भी देखने को मिलता है। लचीलापन और कठोरता दोनों देखने को हमारे भारतीय संविधान में मिलती है। कठोरता इस बात में है कि हमारे जो भी संविधान में संशोधन किया जाए उसमें संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ये हमारा कौन सा वाद कहता है बच्चों? केशवानंदवाद कहता है कि संविधान में अमेंडमेंट करो लेकिन हमारे भारतीय संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित करने का अधिकार संसद को नहीं है। संशोधन कर सकती है, सभी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जो कि मूल ढांचे को वैसा का वैसा बना रहने दिया जाए। इसी को हम न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत रखते हैं। अगर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन हुआ है तो न्यायपालिका संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों की क्या कर सकती है? न्यायालय में ले जा सकती है इस मामले को और उसके बारे में जांच पड़ताल कर सकती है। तो संविधान संशोधन का कार्य संसद करती है और हमारे संविधान संशोधन के आधार पर हमारे भारतीय संविधान की एक विशेषता भी बन जाती है कि भारतीय संविधान में
कठोरता और लचीलेपन का समन्वय देखने को मिलता है। तो पहला जो टॉपिक है बच्चों वो आपका संसद की अगर हम बात करें तो संसद में कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जो साधारण बहुमत से ही क्या हो जाते हैं, पारित हो जाते हैं और साधारण बहुमत के आधार पर ही क्या हो जाता है, संविधान में संशोधन हो जाता है, संविधान में संशोधन हो जाता है। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिसमें संसद के साधारण बहुमत के आधार पर ही संविधान में संशोधन हो जाते हैं, जैसे कि किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम बदलना है, राज्य को मिलाना है, नए राज्य का नामकरण रखना है, ये सब जो है संसद साधारण विधेयक के आधार पर ही इसको कर सकती है, इसमें राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें संसद के साधारण बहुमत की नहीं 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे 101वां जो आपका ये मान के चलो पंचायती राज, 73वां भी नहीं मान सकती, संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसे संशोधन होते हैं और कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ बच्चों इसकी आवश्यकता होती है, आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति की आवश्यकता होती है, जैसे 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ बच्चों उसमें संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति की भी आवश्यकता हुई थी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ये हमारा संविधान राइट देता है, अनुच्छेद 368 में ये बात कही गई है, लेकिन केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में आया उसने कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, अतः संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति संसद को नहीं है, ये बात हमारे केशवानंदवाद में ये बात कही गई। संसद कुछ ऐसे विधेयक होते हैं कि साधारण बहुमत से ही संविधान में संशोधन हो जाता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जिसमें संसद के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की विधानसभाओं की स्वीकृति क्या होती है बच्चों, आवश्यक होती है। इस प्रकार संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब बात आती है बच्चों दूसरा, निर्वाचन संबंधी कार्य क्या काम करती है संसद इसके अलावा, वो देखिए बच्चों आप सब जानते हैं बच्चों कि आपको राष्ट्रपति को चुनना है, किसको चुनना है, राष्ट्रपति को अगर चुनना है तो आपको संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की आवश्यकता पड़ेगी। संसद के निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, तो राष्ट्रपति का चुनाव करने का कार्य संसद करती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कौन करती है, संसद करती है। आपके सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भी इसकी सहमति की आवश्यकता होती है, संसद सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आप निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करनी है तो वो करता है आपका राष्ट्रपति, महान्यायवादी है। इसके अलावा आपके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति करने का कार्य भी संसद का जो एक अंग है राष्ट्रपति, वो ये सब कार्य करता है बच्चों। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करने का कार्य संसद करती है। अब आता है बच्चों कार्यपालिका संबंधी कार्य। आप सब जानते हो बच्चों कि संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
सब जानते हैं इस बात को। तो लोकसभा और राज्यसभा जो कि इसके प्रमुख अंग है, लेकिन कार्यपालिका पर जो अंकुश लगाने का कार्य करती है वो करती है लोकसभा। कौन करती है? लोकसभा, क्योंकि संसद सदस्यों में से ही कार्यपालिका के सदस्य चुने जाते हैं और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आप सब जानते हो कार्यपालिका जिन कानूनों को लागू करने जा रही है या कार्यपालिका को तानाशाही बनने से रोकने का कार्य भी कौन करती है? आपकी संसद करती है। कई माध्यम ऐसे हैं जिनके माध्यम से कार्यपालिका को तानाशाही बनने से रोकती है संसद। वो कौन कौन से हैं बच्चों? पहला है आपका निंदा प्रस्ताव, प्रश्न पूछो, प्रश्नकाल, शून्यकाल, इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, इन सब के माध्यम से कार्यपालिका को तानाशाही बनने से रोकने का कार्य करती है संसद। वो कैसे? आप सबको पता है कि किसी भी मंत्री के विरुद्ध शिकायत जो है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी मंत्री के विरुद्ध जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है वो है, ये मंत्री के विरुद्ध भी हो सकता है, मंत्री परिषद के विरुद्ध भी हो सकता है और मंत्रियों के समूह के विरुद्ध जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है उसे निंदा प्रस्ताव कहते हैं। और निंदा प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। फिर आता है बच्चों प्रश्नकाल। प्रश्नकाल मतलब जब संसद की कार्यवाही प्रारंभ होती है 11 से 12 तो उस समय जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उनमें है आपका तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, अल्प सूचना। ये प्रश्न के माध्यम से कार्यपालिका को तानाशाही बनने से रोका जाता है। क्या होते हैं तारांकित प्रश्न? तारांकित प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न लिखित रूप में पूछे जाते हैं और 10 दिन की पूर्व सूचना के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हें अल्प सूचना प्रश्नों के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न सुनने का प्रश्नकाल के दौरान 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न और अल्प सूचना के प्रश्न। शून्यकाल का मतलब है जो प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 का जो काल होता है बच्चों वो शून्यकाल है। और हमारी लोकसभा में 2003 से शून्यकाल ज्यादा प्रभावी हो गया है। बिना किसी पूर्व सूचना के मंत्री परिषद से जो प्रश्न पूछा जाता है वो शून्यकाल होता है। और मंत्री परिषद का जो सबसे खतरनाक जो काल माना जाता है जिसमें हर किसी भी मंत्री से किसी भी मुद्दे पर प्रश्न पूछा जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है, उसके लिए वजह पूछी जा सकती है शून्यकाल के दौरान। और शून्यकाल का प्रावधान हमारी संसदीय प्रक्रिया का एक अंग है लेकिन हमारे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव, आप सब जानते हो कि जो विपक्षी दल है वो इस अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकता है और जो बहुमत की सरकार है उसको विश्वास मत हासिल करने के लिए कह सकता है। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है बच्चों तो समस्त मंत्री परिषद को प्रधानमंत्री सहित त्याग पत्र देना पड़ता है। तो अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, किसी भी काम को रोककर कोई जन कल्याण के मामले को उठाना, काम रोको प्रस्ताव है। किसी लोक महत्व के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो इन सब प्रस्तावों के आधार पर
जो आपकी संसद है वो कार्यपालिका की तानाशाही को रोकने का कार्य करती है। फिर है बच्चों विशिष्ट शक्तियां। आप सब जानते हो बच्चों कि लोकसभा और राज्यसभा दो सदन है। कई मामलों में लोकसभा ज्यादा पावरफुल है और कई मामलों में बच्चों राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है। वो कैसे? आप जानते हो अनुच्छेद 118 के अनुसार जब संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में देखने को मिलता है। तो जब संयुक्त बैठक होती है तो अनुच्छेद 118 के अनुसार लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो लोकसभा क्या हुई बच्चों? ज्यादा पावरफुल हुई। इसके अलावा अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 जब धन विधेयक की बात करता है तो कहता है कि धन विधेयक केवल या वित्त विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा केवल 14 दिन का इसमें क्या कर सकती है बच्चों? विलंब कर सकती है। तो यहाँ पर भी ज्यादा पावरफुल है आपकी लोकसभा, ठीक है। साधारण विधेयक के मामले में भी क्या है? साधारण विधेयक के मामले में भी लोकसभा ज्यादा पावरफुल है। धन विधेयक के मामले में भी लोकसभा ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा की बात करें बच्चों तो राज्यसभा में जब उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो राज्यसभा में प्रस्ताव को पहले प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो राज्यसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये राज्यसभा का विशेष अधिकार है। इसके अलावा अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा किसी भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तब भी राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। उसके बाद आता है बच्चों क्या? उसके बाद आता है अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने का राइट भी किसके पास है? राज्यसभा के पास है। तो राज्यसभा के पास भी कुछ विशेष अधिकार है। उपराष्ट्रपति को हटाना है, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना है या राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है तो राज्यसभा को विशेष पावर दिए हुए हैं। तो ये राज्यसभा और लोकसभा की विशिष्ट पावर है। बाकी संविधान संशोधन करने में, संविधान महाभियोग लगाने में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान पावर दिए हुए हैं, दोनों को समान अधिकार दिया हुआ है बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा को। इसके अलावा वित्तीय कार्यों में मैंने आपको बताया धन विधेयक, बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है और बजट प्रस्तुत करता है। वित्तीय समितियों का गठन करने का काम भी संसद ही करता है। इसके अलावा हर साल जो बजट होता है, लेखानुदान, सार्वजनिक व्यय समिति, प्राकलन समिति, इन समितियों का गठन भी संसद के माध्यम से ही किया जाता है। इसके अलावा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। राज्यसभा को केवल 14 दिन का विलंब करने का पावर यहाँ पर मिलता है, जबकि साधारण विधेयक में 6 महीने का विलंब करने का पावर राज्यसभा के पास है। तो बच्चों साधारण विधेयक और धन विधेयक के मामले में लोकसभा पावरफुल है, संविधान संशोधन के मामले में लोकसभा और राज्यसभा दोनों समान पावरफुल है, जबकि महाभियोग के मामले में भी दोनों सदनों को समान अधिकार दिया हुआ है। संविधान में संशोधन तभी हो सकता है जब दोनों सदनों के द्वारा उसको पारित किया जाए। तो आज हमने बच्चों संसद के कार्य पढ़े। पहला संविधान संशोधन संबंधी कार्य जिसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में देखने को मिलता है। दूसरा है निर्वाचन संबंधी जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और निर्वाचन आयोग का गठन करता है, कार्यपालिका में कार्यपालिका की तानाशाही को रोकता है और हमारी जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विशिष्ट शक्तियों में लोकसभा अनुच्छेद 118 के अंतर्गत लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वित्तीय कार्य में आपको पता है धन विधेयक जो है राष्ट्रपति बुलाता है और वित्तीय कार्यों में धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। बजट जो प्रस्तुत किया जाता है वो भी
आपकी संसद में होता है, जितने भी आय और व्यय का विवरण और लेखा जोखा होता है वो भी कहाँ पर होता है बच्चों, संसद भवन में होता है। इसलिए संसद जिसे संविधान संशोधन का पावर दिया गया है, और आप सबको पता होना चाहिए बच्चों अनुच्छेद 105 जो कि संसदीय विशेषाधिकारों का उल्लेख करता है, कहता है कि अगर मौलिक अधिकार और संसदीय विशेषाधिकार एक दूसरे के टक्कर में आ जाए तो संसदीय विशेषाधिकारों को वरीयता दी जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों आज हमने संसद के कार्यों के बारे में चर्चा करी। आगे हम लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक अध्ययन एक बार और करेंगे। इसी के साथ इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप इस स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि मैं जो तुम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस दे रही हूं ये सक्सेस हो सके, सभी लोगों तक पहुंच सके, सभी बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद।